जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो पेल एसी के मुतालिक है। पेल एसी को रिपेयर कैसे किया जाए। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है पेल एसी हम लोग एसी लगा देते हैं और कुछ अरसे के बाद उसका जो एक शोर होता है वो कम हो जाता है और कूलिंग भी इस तरह कम हो जाती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा आइडिया होता है। अगर आपका एसी शुरू में आप देखेंगे तो बहुत आवाज़ निकालता है हवा की, तो उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो हवा निकालना और कम कर देता है। और कूलिंग भी आप देखेंगे मोस्टली किसी की राइट साइड से या किसी की लेफ्ट साइड से कूलिंग कम या ज़्यादा हो रही होती है। तो आइए आज एसी पहले के मुताबिक आप लोगों को रिपेयरिंग का तरीका बताता हूँ, इसको फिल्टर और साफ़ कैसे क्लीन कैसे किया जाएगा। उसके बाद आप एसी लगाएं और आप देखें आपका एसी वर्किंग बहुत अच्छी रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी डस्ट हो जाती है और उसको कोशिश करें कि आप खुद ही घर में बेहतर करें। वैसे मैंने YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी हैं तो पेल एसी के मुतालिक नहीं थी, तो सोचा आज पेल एसी के मुतालिक ही वीडियो बना दी जाए। इन्वर्टर पेल एसी को आप खुद घर में कैसे क्लीन करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। जी व्यूअर्स, सबसे पहले आपने इसका ये हेड को ओपन करना है। हेड ओपन करने के लिए ये एक निशान है, इसको प्रेस करना है ज़ोर से, और इसके राइट साइड पे भी है। इसको जब आप ज़ोर से प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको फिल्टर लगा लेंगे। मुझे बताओ सर। जी तो व्यूअर्स, जैसे कि आप इसका हेड ओपन करेंगे, हेड ओपन करने के बाद आपके पास ये ऊपर एक लॉक सिस्टम नज़र आ रहा है। ये आपको साइड से दिखाते हैं, इसको आप थोड़ा सा पुश करेंगे ना तो ये ऊपर हो जाएगा, ये इसके ऊपर ये खुद स्टैंड खड़ा हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये ऐसे ओपन है। उसके बाद आपने इसकी ये फ़िल्टर जालियाँ जो सी हैं दो, ये बाहर निकालनी है। इसके ये यहाँ पे हेड लॉक लगे हुए हैं ये, और ये जैसे मैं इसको उठाऊंगा नहीं, देख रहे हैं लूज़ हो गई है। इधर से इसको भी उठाऊंगा तो ये भी लूज़ हो गया। इसको मैं बाहर निकालता हूँ अभी। इसको बहुत एहतियात के साथ आपने निकालना है, ताकि ये ऐसी यू शेप में बाहर आएगी। यू शेप में इसके वायर आएगी, इसका ये एंटी सिस्टम बना हुआ है, ये यू में ऐसे ही वायर आएगी। तो चलिए व्यूवर्स, आपको दिखाते हैं कि इसमें डस्ट कितनी है, जिसकी वजह से ये कूलिंग इसने करना बिल्कुल बंद कर दी थी। अभी आप देख रहे हैं ये रोशनी में दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, अभी देखिए ये डस्ट, ये आपको दिखाई दे रही है, इतनी डस्ट है कि देखो व्यूअर्स जाली भी नहीं नज़र आ रही, तो ये कूलिंग कहाँ से करेगा। तो इसको अब हम क्लीन करेंगे, साफ़ करते हैं और फिर इंशाल्लाह लगा देंगे। साफ़ करने का तरीका भी आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, पहले मैं आसान तरीका ये करूँगा कि इसको यहीं पर छान लूँगा। क्योंकि व्यूअर्स ये बहुत ज़्यादा लगी हुई है और इसको तरीके एहतियात के साथ ही बस मैं सारी, अगर मैं इसको वॉश करूँगा ना तो मेरा टाइम फिर बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। तो जाली है, इस तरह आप भी इसको क्लीन कीजिएगा, मैं भी क्लीन करता हूँ, फिर साथ साथ दिखाता हूँ आपको क्लीन करने के बाद।
जी तो व्यूअर्स देख रहे हैं कितनी मैली गाड़ी है। इसको सही अच्छे से क्लीन करने के बाद इंशाल्लाह लगाएंगे और आपका एसी ज़बरदस्त तरीके से फिर कूलिंग करने शुरू कर देगा। अब इस एसी से ये मालूम होता है कि काफ़ी टाइम तक ना इसको कभी किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। ये बुर्दा जो डस्ट है ना व्यूअर्स, इसको डायरेक्ट आप पानी से कभी भी नहीं धोना या साफ़ करना, क्योंकि फिर उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। तरीके के साथ आप उतार दें, क्योंकि ये जाली थोड़ी सी बहुत हल्की नाजुक होती है। जी तो व्यूअर्स आप देखिए ब्रश मारने के बाद, अभी तो मैंने इसको वॉश भी नहीं किया, तो अगर आप चाहें तो वॉश भी कर सकते हैं इसको। जी तो व्यूअर्स अभी देखें, अभी आपको ऐसे लगता होगा कि एक वाइट जाली है और सफ़ेद और दूसरी काली जाली है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये मैल है सब। देख लें इतना डिफरेंस है, इसीलिए कूलिंग बंद कर देता है एसी। अब आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि यहाँ से सफाई करनी है थोड़ी थोड़ी तरीके के साथ, ताकि अंदर ना जाए। और आपको ये नज़र आ रहा है, ये थोड़ी सी जगह डस्ट से भरी है और इस साइड पे भी। इसको भी क्लीन कर लें ब्रश के साथ, टूथब्रश हो तो उसके साथ ठीक रहेगा। ओके व्यूवर्स, आपने ये साइड पे जो सी सबसे नीचे वाली जाली है ना, इसमें टूथ ब्रश के साथ क्लीनिंग करनी है बस, और नीचे से ऊपर की तरफ करनी है ताकि डस्ट बाहर की तरफ आ जाए। जी तो व्यूवर्स, इस प्रॉब्लम का एक ही टिप्स आप लोगों को दूंगा, जो बहुत बेहतरीन टिप्स है। जब भी आप गर्मियों में एसी स्टार्ट करेंगे तो एसी से आपको अगर स्मेल आती है तो आप ये फिर जान लीजिए आपको इसकी क्लीनिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो क्लीनिंग का ये एक ही टिप्स है जो जानने के लिए, अगर आपके एसी में इस तरह की प्रॉब्लम आती है, कूलिंग नहीं करता, तो जब भी आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे तो वो बैड स्मेल फेंकेगा, एक बदबू फेंकेगा। तो चलिए व्यूवर्स अभी जाली लगाते हैं। जाली लगाने से पहले मैं इसको स्प्रे करूँगा। जी तो व्यूवर्स, एक जाली पे मैंने और स्प्रे किया और एक जाली पे दूसरा स्प्रे। इंशाल्लाह ये जब हम लगाएंगे तो खुशबू भी साथ में फर्स्ट टाइम देगा। जाली को अच्छी तरह से यू शेप में अंदर ले जाइए, कंप्लीट लाने के बाद ये आपका लॉक है, इसको आपने अच्छे से लॉक लगा। अब
काट लीजिए, प्रॉपर कोने में बैठ जाए और यहाँ से फिर हवा लेनी होगी। वैसे तो ये ख़ुद ही इतना ज़बरदस्त बना हुआ है पेल का कि वो अंदर जाके फिक्स हो जाता है और आपने यहाँ से बात करनी है। जी तो व्यूवर्स, अगर आपको कभी लगे कि ये जाली आगे की तरफ जा रही नहीं है तो इसके ऊपर जगह खाली है, आप उसको ऊपर से देख के तो जाली को आगे की तरफ भेज सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, ओके व्यूवर्स, आई होप कि आप लोगों को समझ लेती होगी। मैं हूँ शहजाद टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल के साथ। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।